राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और दामाद पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आज बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश की कंपनियों को मिलने वाले पैसे पर आयकर विभाग इन दोनों से बड़ी पूछताछ करेगा। आपको बता दें, एबीपी न्यूज़ इस चरण में मीसा जिन सवालों के जवाब गलत देगी, पूछताछ के अगले चरण में उन्हीं सवालों की बाबत दस्तावेज दिखाकर मीसा से पूछताछ की जाएगी। ऐसे में आयकर विभाग की पूछताछ मीसा के लिए काफी भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी मीसा और शैलेश को 8,000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूछताछ के लिए बुला सकता है। ये पूछताछ इस मामले में गिरफ्त में आए सीए राजेश अग्रवाल के बयानों के आधार पर हो सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक राजेश अग्रवाल ने अपने बयानों में साफ तौर पर कहा कि जो पैसा उसने नकद दिया था, वही पैसा मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल में जमा कराया गया था। उसके द्वारा दिए गए पैसों से ही 3 चरणों में ड्राफ्ट बनवाकर सेल कंपनियों के जरिए मीसा की कंपनी में भेजे गए थे। 2 अलग-अलग मामलों में मीसा और उनके पति शैलेश पर जांच एजेंसियों का कसता शिकंजा लालू यादव के लिए भी नई मुश्किल की वजह बन सकता है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।